सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली से यूपी आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस लॉकडाउन के बीच कई लोग गाड़ी लेकर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां हेवी ट्रैफिक जाम लग गया। इस बीच कुछ लोग पुलिस वालों से बहस करते भी नजर आए। नोएडा दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग अभी मैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ, तस्वीर देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे हैं, और पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस लगातार करके यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अपने अपने जगह पे चले जाएं, और मीडिया कर्मियों से पुलिस कर्मियों के पास कम से कम 1.5 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, सहयोग करें, अपने अपने घरों को चले जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। पुलिस की तरफ से ये अपील की जा रही है लोगों से कि अगर वो अपने घरों की तरफ नहीं लौटते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल यहाँ पर लगातार पुलिस देखिए किस तरह से लोगों को समझा बुझाकर उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ी से उतरते हैं और पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को भारी तादाद में गाड़ियों को यूटर्न करवाना पड़ रहा है। लोगों की एसेंशियल सर्विसेज को जानकर, उनके पहचान पत्र देखकर, क्या वो वाकई आवश्यक कार्यों से ही बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में इस चीज को पूरी तरह से परख कर ही पुलिस जो है लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दे रही है। फिलहाल देखिए, और ये तस्वीर अभी की नहीं है, सुबह से लेकर अभी दोपहर का वक्त हो चुका है और इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। चाहे वो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने का रोड हो या फिर दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाला, तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के 9 जिले टोटल लॉकडाउन में है। ऐसे में मुंबई में धारा 144 लगानी पड़ी है। मुंबई में सड़कें सूनी हैं, साथ ही सड़कों पर निकलने वाले कमर्शियल गाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आज मुंबई में सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं। वहीं अंधेरी रेलवे स्टेशन भी पूरा खाली है। मुंबई में जिस वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे हैवी ट्रैफिक रहता था, उस हाईवे पर अब लगभग सन्नाटा पसरा है। मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक 14 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं मुंबई में लॉकडाउन जारी है, लेकिन अब धारा 144 लगा दी गई है और इसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो गया है। हम इस समय मुंबई के विलेपाले फुटओवर ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर आप देखें लॉकडाउन का असर ट्रैफिक पर कितना ज्यादा पड़ा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, ये शहर के सबसे ज्यादा बिजी हाईवे में से एक है। यहाँ पर गाड़ियों का हर वक्त तांता लगा रहता है, लंबी जाम यहाँ पर लगी रहती है, ट्रैफिक लगा रहता है, लोग घंटों परेशान रहते हैं यहाँ पर। खासतौर पे जो ऑफिसेज और स्कूल्स के लिए जो बच्चे या जो लोगों को अपनी अपनी जगहों पर जाना होता है, इसी हाईवे का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोरीवली साइड से ये आपके नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करता है, इस वजह से इसमें हेवी ट्रैफिक होता है। तो वही दूसरी तरफ आपको दिखा दें, दूसरी तरफ के भी रोड का आप नजारा देखिए, हाईवे के दूसरी तरफ भी आप रोड देखें तो वहां पर भी ट्रैफिक नॉर्मल है गाड़ी। वहीं भोपाल शहर में भी लॉकडाउन है। भोपाल के बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही शहर के अंदर एंट्री दी जा रही है। अनुराग अमिताभ की रिपोर्ट। देश की जनता ने अमूमन अब तक सिर्फ कर्फ्यू देखा है, शायद ये पहली बार है जब लॉकडाउन देख रहे हैं, और लॉकडाउन में क्या होता है हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। ये पूरी जो सड़क है, ऐसी कम से कम 10 सड़क जो शहर के अंदर तक आ रही है, उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो तमाम गाड़ियां जो आ रही हैं उन्हें रोका जा रहा है, बिना परमिट के, बिना पास के उन्हें अंदर नहीं दिया जाने दिया जा रहा है। और जो ये गाड़ी जा रही है ये पास के बाद जा रही है, और इस तरीके से तमाम जो लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है। ये पास दिखाते हुए ये आप दिखाई देंगे, इस तरीके से जो है पास दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद ही शहर से बाहर जाने की या शहर के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। दरअसल लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है, इसके तहत जो तमाम शहर के अंदर आने वाली जो सीमाएं हैं उसे सील कर दिया जाता है, सड़क परिवहन बंद हो जाता है, रेल जो परिवहन बंद हो जाता है, और अगर किसी क्षेत्र में जो लॉकडाउन होता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है, आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। अगर किसी को दवा या जरूरी चीजें चाहिए तो वो शहर के अंदर वो जा सकता है तमाम, लेकिन
परमिशन के बाद। ये देखिए इस तरीके से जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, बकायदा पुलिस पूछताछ कर रही है, अगर पास नहीं है तो शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये बाहर से आने वाली सीमाएं हैं, तकरीबन 10 सीमाओं को ऐसे सील किया गया है। दूसरी तरफ का अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं, यहां पर ये पास बन रहे हैं और जरूरी होने पर ही शहर के अंदर उन्हें आने की परमिशन दी जा रही है। लखनऊ में भी हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है। लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें घर पर रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 जिलों में पूरी तरीके से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बावजूद अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बाहर भी निकले हुए हैं। पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, पुलिसकर्मी उनको बता रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लोग ही जा सकते हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है सिर्फ वो जा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या गाड़ियों की इस समय है वो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है। पुलिसकर्मी सभी को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर निकले हुए हैं, जा रहे हैं, पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का ट्वीट किया है कि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही भी दिख रहा है। अहमदाबाद में भी पुलिस लोगों को लॉकडाउन के बारे में समझाती हुई नजर आई। पहले चरण में पुलिस ऑटो वालों को सड़क पर नहीं निकलने की हिदायत देती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से लोगों को खास तौर पे हिदायतें दी जा रही हैं कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, अपने घरों में रहें। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लोग अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बैन कर दिया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्थाओं को, उसके बावजूद आप देख सकते हैं रिक्शा अहमदाबाद में इसी तरह से चल रही है। लगातार पुलिस को अब उतारा गया है सड़कों पे और ये तमाम रिक्शा वालों को उनके घरों में भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि भाई रिक्शा जो है वो नहीं चल सकती शहर में। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीर, आप देखिए जिस तरह से ट्रैफिक है आज का, ये नॉर्मल एकदम रूटीन ट्रैफिक लग रहा है अहमदाबाद में। लोगों को खास तौर पर हिदायतें दी हुई हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्शाओं को इस वक्त फिलहाल पुलिस की तरफ से रोक रोक करके उन्हें बंद करवाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अहमदाबाद के वासना इलाके में, ये जो अंजलि चार रस्ता के पास का इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो रिक्शाएं हैं उनको फिलहाल पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी लॉकडाउन है। हमारे सहयोगी टी राघवन ने बेंगलुरु के होलसेल गारमेंट बाजार का जायजा लिया। मार्केट में दुकानें तो बंद थी लेकिन लोग काफी संख्या में मौजूद थे। हम फिलहाल मौजूद हैं बेंगलुरु के गारमेंट होलसेल मार्केट चिकपेट इलाके में, और जो सर्कल आप देख रहे हैं ये है आरटी स्ट्रीट सर्कल, चिकपेट सर्कल भी इसे बोलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं देखिए ट्रैफिक को देखकर कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है यहाँ पर। लोगों में बिल्कुल इस बात का डर नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिए, लॉकडाउन की बात है बेंगलुरु में, कोई असर नहीं है, आप तो आराम से घूम रहे हैं। नहीं, हम तो कुछ प्रोविजन का आइटम लेने के लिए आए हैं, बाकी बंद है। आपको डर नहीं लगता सर, इतनी बड़ी बीमारी यहाँ पर फैली हुई है और आप आराम से घूम रहे हैं? डर तो लगता है सर। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग घरों से बाहर मत निकलिए जब तक जरूरी नहीं हो। यहाँ देख रहा हूँ मैं, देखिए कितने सारे लोग एक साथ आके खड़े हो गए। वो सब क्या दुकान के लिए आए थे। तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन ध्यान रखेगा सर आपका? ठीक है, मैं चल अपने घर पे जाइए। बहुत बड़ी बीमारी है, आप समझिए इस बात को।